सो गाइस मैं आपको बता रहा था प्रिया ने यहाँ देहरादून आके फाइनली बाइक भी चलाना सीख ली है। तो ये रही गाइस शिमला की टनल जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। रिएक्शन देख रहे हो गाइस, क्या ही रिएक्शन आ रहे हैं। और मैंने ना हाथ पाथ नहीं पकड़ रखा कुछ। तो फाइनली गाइस शिमला पहुंच गए हैं, सामने आप नजारे चेक करो भाई। यहाँ देखो कितनी छोटी वाली ट्रेन की पटरी है। उठने वाला लड़का उठ चुका है सुबह सुबह 6 बजे, मतलब आप समझ चुके होंगे आज हम जाने वाले एक राइड पे, और ये राइड होने वाली है लॉन्ग राइड। कुछ दिनों से हम लॉन्ग राइड में नहीं गए थे, मतलब इधर उधर लोकल भटकने पे लगे थे। आज हम गाइस फाइनली जाने वाले एक मस्त सी लॉन्ग राइड पे हिमाचल प्रदेश में। मतलब आज की इस वीडियो में तो आपको शिमला तक का सफर देखने को मिलेगा, लेकिन अपने को ना उससे भी आगे जाना है। हिमाचल में दूर पहाड़ों में रहता है कोई मेरा अपना खास जो दिल के बहुत करीब है, तो वहीं हम जाएंगे। अभी निकलते गाइस यहां से शिमला के लिए, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, बाकी की बातें मोटर ब्लॉग में करेंगे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। मिली गाइस करते हैं घर वालों को बाय बाय और निकलते हैं यहाँ से। बाय मम्मी, बाय बाय गाइस। ये रही हमारी बाइक, और बाइक मैंने पीछे से एक बैग बांध रखा है, इस पर थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह है। तो फाइनली गाइस आ चुका हूँ मैं मेन रोड पे। अभी 6 बजे हम अपनी राइड को स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा प्लान था 5 बजे का। बड़ी जो नींद है ना, जितनी भी मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, इसलिए हम टाइम पे नहीं निकल पाए सुबह। बट अभी निकलते हैं, पहुँच जाएंगे आराम से। वैसे लेट मी जस्ट टेल यू कि आज मेरा सफर देहरादून का है और कल मैं शिमला जाऊंगा। दोनों दिन एक ही ब्लॉग में करेंगे हम कंटिन्यू, और सारे प्लान है। पहले तो शिमला चलते हैं, देन मैं आपसे बताऊंगा कि मुझे जाना कहाँ है। वैसे मुझे एग्जैक्ट पहले झाकड़ी जाना है, झाकड़ी में कोई रहता है तो उनसे मिलने जाएंगे हम मस्त। एंड झाकड़ी से आगे स्पीति वैली, रुकांगपियो, काजा, ये सारी जगह है, तो देखते कहाँ कहाँ जाते हैं कहाँ कहाँ नहीं। ओ भाई 140। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो राइड होने वाली है इसमें 1000 किलोमीटर तो मतलब फिक्स है, 1000 किलोमीटर तो मेरे को जाना ही जाना है। एंड उससे आगे मेरे मूड और सिचुएशन पर डिपेंड है। तो यार गाइस फाइनली 3-4 घंटे से राइड कर रहा हूँ और ज्यादा ब्लॉक किया नहीं मैंने उस साइड। अभी आप देख सकते हो मैं थोड़ा पहाड़ वहाड़ से बाहर आ चुका हूँ। ये रहा अपना ऋषिकेश का पुल, और अभी बढ़ रहा हूँ देहरादून के लिए। तो यार गाइस लिटरली 2-3 महीने हो गए इस तरीके के हाईवे देखे हुए, काफी टाइम बाद हम हाईवे पे आ रहे हैं, और आज हम 2-3 महीने की भड़ास एक साथ निकाल देंगे। वापस भाई बताओ छोले खाओ। ओ 150 लग गई फाइनली गाइस, काफी टाइम बाद 150 कर लिया हमने। तो यहाँ से मेरा प्लान है अभी प्रिया के पास जाने का। तो देहरादून आए हैं तो प्रिया से मिलना तो बनता ही है। मैं अराउंड 2-3 महीने से प्रिया से मिला नहीं, तो अभी डायरेक्ट सेलो को ही चलते हैं और फिर उससे मिलते हैं प्रिया से, उसको मिलाते हैं गाइस प्रिया से। तो ये रही गाइस 2 चॉकलेट्स। तो फाइनली गाइस पहुंच गया हूं मैं प्रिया के घर के पास। कहाँ हो तुम? कॉलेज में ही। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका था देहरादून, और अभी मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ, वो चीज देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो गाइस मैं आपको बता रहा था प्रिया ने यहाँ देहरादून आके फाइनली बाइक भी चलाना सीख ली है। हम प्रिया के साथ राइड करने वाले हैं। सवाल लोगी छोड़ दू मैं, कब ले गया? तो गाइस फाइनली देखो ये चला रही है बाइक। ओ भाई खतरनाक ही सीन यार। अरे गाड़ी अब मतलब मुझे हाथ वाथ नहीं पकड़ना पड़ी, थ्रॉटल पे कंट्रोल कर पा रही है। देर रेस दे। ओ भाई कॉलेज के लौंडों के साथ है। रिएक्शन देख रहे हो गाइस, क्या ही रिएक्शन आ रहे हैं। और मैंने ना हाथ वाथ नहीं पकड़ रखा कुछ। सो हे गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, आप फायरफ्लाई को देख सकते हो। और अभी मैं ना शिमला वाली रोड पे आ चुका हूँ, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। तो फाइनली यार कंटिन्यू करते अपने सफर को, देहरादून से जो है बाहर को निकल गए हैं। आज मुझे पहले शिमला जाना है, शिमला जाके झाकड़ी जाना है, मतलब लंबी राइड होने वाले 10 घंटे का बता रहा रास्ता, अराउंड 300 किलोमीटर। एंड सबसे बड़ा टास्क इज मेरे को शिमला पहुंच के ये वाला वीडियो एडिट करना है, फिर अपलोड भी करना है, बिकॉज मैंने 6 दिनों से कुछ भी अपलोड नहीं करा है। ये पेट्रोल पंप भी नहीं खुला क्या भाई? सो गाइस यहां पे पेट्रोल पंप भी नहीं खुला है और रिजर्व में चल रही है गाड़ी। पेट्रोल पंप कितनी दूर पे होगा? तो फाइनली एक और पेट्रोल पंप मिल गया। सो गाइस ये भी बंद है यार भाई, फाइनली खज्जल होने से बच गए हम लोग। पेट्रोल पंप मिल गया जो चल रहा हो। तो अभी हम आ चुका कुछ इस तरीके की जगह में, यहाँ पे एक चौक है। क्या ही खाली रोड मिल गए गाइस सुबह सुबह। तो सामने का गाइस
व्यू चेक करो, पेड़ ऐसे मार्के हैं पूरे के पूरे और खाली है पूरी की पूरी रोड। अभी जो हम पहुंच गए हैं गाइस पोंटा साहिब और सामने पे गाइस पोंटा साहिब का गुरुद्वारा, तो यहां से जो गाइस हिमाचल स्टार्ट हो चुका है। पोंटा साहिब का मार्केट अभी पूरा बंद ही हो रखा है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नाहन से 4-5 किलोमीटर आगे, और मैं आपको बता दूं ना यहाँ के कर्व इतने मस्त है ना, आपको यहाँ पे का नजारा दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखो गाइस क्या ही सेक्सी रोड है, और कर्व चेक करो आप, एंड यहाँ पे हमारी फायरफ्लाई जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है। आ गया आज के दिन का गाइस पहला ऑफ रोड, और भाई गड्ढे पहुंच चुका है गाइस हम किसी टाउन में। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से यार, ये जब मुझे पहली नजर दिखा ना मस्त व्यू आ रहा था। ऊपर जा रहे देखो फ्लाई ओवर एक मस्त सा, और हम इस फ्लाई ओवर के नीचे से अभी भी गाइस यहाँ से शिमला अराउंड 50 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी जो मस्त वाले हाईवे आ चुके हैं, नाहन के बाद से ना पूरा पहाड़ वाला रास्ता था जो गोल गोल घुमाने पे लगा था। अब मेरे को लग रहा है सड़क और व्यू दोनों के नजारे एकदम मस्त हो जाएंगे। उत्तराखंड में ऐसे हाईवे की कमी बहुत है यार, देहरादून से नीचे आपको ऐसे कहीं हाईवे मिलेंगे ही मिलेंगे नहीं। देखो प्यारे प्यारे फूल लगे हैं पिंक पिंक, आप अपनी तोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो ठीक है यहाँ से, समझ रहे हो। 16-13 किलोमीटर शिमला 60। तो बॉयज फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोलन, और भाई आप सोलन के नजारे चेक करो, क्या ही बड़ी सिटी है गाइस, ये सब पूरे इस पहाड़ से उस पहाड़ तक पूरा शहर बसा हुआ है। तो गाइस आप यहां देख सकते हो ये सोलन सिटी है, मेन सिटी उस साइड है, मैं ऊपर से डाइवर्जनल लेके आ गया, और यहां मैं देख रहा हूं यहां सारे इस टाइप के घर हैं इस टाइप के। तो बाय बाय सोलन यार, ये जो घर बने हैं गाइस यहां पे इतने प्यारे लग रहे हैं ना, हॉट टाइप के पूरे। यहां देखो कितनी छोटी वाली ट्रेन की पटरी है, जितना मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है ना हैंडल का, उतना ट्रेन की पटरी थी जो कि चलती है शिमला में। A few moments later. तो यहाँ पे से गाइस शिमला 13 किलोमीटर बचा हुआ है, पूरा का पूरा ना मसूरी जैसा हाल है यहाँ। तो फाइनली गाइस शिमला पहुंच गए हैं, सामने आप नजारे चेक करो भाई क्या ही सीन हो रखे हैं, ये लौंडा स्वागत करता है आपका शिमला में। बट यार आप व्यू चेक करो भाई, यहाँ के व्यू चेक करो, फाइनली गाइस वी आर इन शिमला, यहाँ पे से आप व्यू चेक करो गाइस, व्यू चेक करो, वाओ मैन ये पूरा का पूरा शिमला है। तो ये रही गाइस शिमला की टनल जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो गाइस आप यहाँ पे से व्यू चेक करें पूरे शिमले का पूरा शिमला, और वहाँ पे ऊपर हमारा तिरंगा झंडा लहराता हुआ।